अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू उर्दू गर्ल्स। व्यूवर्स, आज मैं आपको 3 साल की बेबी के लिए जंप सूट की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। वीडियो को फॉलो करते हुए आप बहुत इजीली घर पर जंप सूट तैयार कर सकती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, ये मेरे पास तकरीबन 1.5 मीटर कपड़ा है और इस कंट्रास्ट कपड़े की पाइपिंग करूँगी। ये बारीक इलास्टिक नीचे निकर के पांचों में लगेगी और ये ट्राउज़र वाली इलास्टिक वेस्ट में यूज़ होगी। इस निकर शर्ट से हम मेजरमेंट करेंगे। ख्याल रहे, मेजरमेंट वाली शर्ट की लेंथ पूरी पूरी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल के शर्ट से सिर्फ निकर की इलास्टिक ही कवर हो। कपड़े को लंबाई में रखें, शर्ट भी लंबाई में रखें, नीचे से सिलाई की गुंजाइश छोड़ें और मार्क करें। शर्ट के ऊपर भी सिर्फ सिलाई की गुंजाइश छोड़कर मार्क करें। अब कपड़े की चौड़ाई पर शर्ट को फैलाएं और दोनों साइड से 1-1 इंच छोड़कर मार्क करें। अब मार्क के मुताबिक चौड़ाई और लंबाई कटिंग करें। ये हमारी शर्ट की बैक साइड है। अब फ्रंट साइड के लिए कपड़े को लंबाई में डबल करें। लंबाई सेम रखें, चौड़ाई 2 इंच एक्स्ट्रा रखें। याद रहे कि कपड़ा डबल है, वैसे एक्स्ट्रा चौड़ाई 4 इंच होगी। अब फ्रंट साइड पीस जो चौड़ाई में एक्स्ट्रा है, सेंटर से कटिंग करेंगे। शर्ट को लंबाई में डबल करके कपड़े की लंबाई में रखें। शर्ट की कटिंग बैक साइड के मुताबिक होगी। नीचे वाली साइड फ्रंट साइड है। अब शोल्डर की मार्किंग इस सिलाई से 2 पॉइंट ज़्यादा रखकर लगाएं। यहाँ नेक लाइन से भी सिर्फ सिलाई की गुंजाइश छोड़कर शर्ट सेट करें। शोल्डर से नेक लाइन तक इस तरह तिरछी कटिंग आएगी। नीचे आर्म होल का निशान बिल्कुल सिलाई के बराबर पर लगाएं। अब ऊपर शोल्डर के निशान के मुताबिक चौड़ाई रखकर एक स्क्वायर बनाएं और इस तरह से गुलाई करें। अब कटिंग करें। ऊपर शोल्डर से 1/2 इंच पर मार्क करें और ऊपर की तरफ तिरछा निशान लगाकर कटिंग करें। फिटिंग की कटिंग नहीं होगी और ना ही कोई शेप होगी। फिटिंग में 1/2 इंच का निशान बिल्कुल स्ट्रेट लगेगा। ये हमारी फ्रंट साइड है। सिर्फ फ्रंट साइड का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उस पर मार्क कर लें, क्योंकि नेकलाइन की मेजरमेंट में एक्स्ट्रा कपड़ा मेजर नहीं होगा। अब फ्रंट साइड के शोल्डर पर भी 1/2 इंच का तिरछा मार्क करें और कटिंग करें। अब नेकलाइन को इस तरह से शर्ट से मेजर करें। 4.5 इंच है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड कर दें और 4.5 इंच का हाफ तकरीबन 2.3 इंच पर मार्क करें। इस तरह से शोल्डर के बराबर रखकर नेकलाइन की लंबाई मेजर करें। लंबाई 3 इंच है। लंबाई में मार्क करें और स्क्वायर बनाएं। अब गुलाई करके कटिंग करें। फ्रंट साइड की डीप कटिंग के लिए फिटिंग के निशान से स्टार्ट करते हुए इस तरह से डीप करें और शोल्डर तक पहुंचने से पहले मार्किंग ख़त्म कर दें। आप कटिंग करें। बैक साइड को नीचे रखें, फ्रंट साइड ऊपर रखें। अब फ्रंट साइड के एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड करके अच्छी तरह प्रेस करें। बैक नेकलाइन के लिए चौड़ाई फ्रंट साइड के बराबर हो और लंबाई 1 इंच रखकर गुलाई करें और कटिंग करें। शर्ट की कटिंग कंप्लीट है। अब निकर की कटिंग करेंगे। कपड़े को लंबाई में रखें, निकर को भी लंबाई में रखें।
ऊपर से हाफ इंच सिलाई की गुंजाइश छोड़ें, नीचे से 2 इंच ज़्यादा रखकर मार्क करें। अब कपड़े को लंबाई में डबल करें और निक्कर भी डबल करके कपड़े पर फैलाएं। निक्कर से आसन की चौड़ाई मेजर करें, 7 इंच है। कपड़े पर चौड़ाई 10 इंच रखें, यानी निक्कर से 3 इंच ज़्यादा रखें। क्योंकि निक्कर का कपड़ा स्ट्रेचेबल है, इसलिए हम कॉटन फैब्रिक पर निक्कर से 3 इंच ज़्यादा रखेंगे। अब निक्कर की लंबाई और चौड़ाई मार्किंग के मुताबिक कटिंग करें। निक्कर को कपड़े के सेंटर में रखें। ये ऊपर से सिलाई की गुंजाइश का मार्क है। इस तरह आसन की लंबाई का मार्क करें और तकरीबन 2 इंच चौड़ाई रखकर स्क्वायर बनाएं और गुलाई करें। अब साइड से 1 इंच पर मार्क करें। इस आसन की लंबाई के मुताबिक साइड पर भी मार्क करें और नीचे से 1 इंच मार्क की लाइन को ऊपर तक लाते हुए कम करते जाएं और कटिंग कर लें। आसन की कटिंग करें। अगर आप पैंचों में इलास्टिक नहीं लगाना चाहती तो फिटिंग पूरी पूरी निक्कर के मुताबिक रखें, अदरवाइज इस तरह से थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा रखकर मार्क करें और कटिंग करें। व्यूअर्स, ये निक्कर की एक साइड है। अब दूसरी साइड की कटिंग के लिए कपड़े को लंबाई में डबल करके रखें और कटिंग किए हुए पीस इसके ऊपर फैलाकर इसके मुताबिक निक्कर की दूसरी साइड की कटिंग करें। व्यूअर्स, जंपसूट की कटिंग कंप्लीट है। अब कंट्रास्ट कपड़े पर अरे पट्टी कटिंग के लिए कपड़े को इस तरह से कोने से पकड़कर ट्रायंगल शेप दें और 1 इंच की चौड़ाई रखकर अरे पट्टी की कटिंग करें। आइए अब स्टिचिंग करते हैं। पहले शर्ट स्टिच करेंगे। शर्ट की फ्रंट साइड लें और फोल्ड किए हुए एक्स्ट्रा कपड़े को इस प्रेस की हुई क्रीज लाइन तक फोल्ड करके सिलाई लगाएं। इसी तरह दूसरी साइड फोल्ड करें। अब किनारी की सिलाई लगाएं। बैक साइड को नीचे रखकर फ्रंट साइड से शोल्डर अटैच करें। अब नेकलाइन पर पाइपिंग करेंगे तो अरेब पट्टी को शर्ट की उल्टी साइड पर रखें, फ्रंट से अंदर की तरफ फोल्ड करें और थोड़ा थोड़ा कपड़ा पकड़ते हुए नेकलाइन की गुलाई में पाइपिंग की सिलाई लगाएं। अब एंड पर भी थोड़ी सी पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाएं। पाइपिंग को सीधी तरफ पलट कर इस तरह से सिलाई लगाएं। सिलाई लगाते हुए अरेब पट्टी को बिल्कुल ना खींचें। Thank you.
इसी तरह आर्म होल की भी पाइपिंग करें। अब फ्रिल बनाने के लिए 2 इंच चौड़ी और 12 इंच लंबी दो पट्टियां कटिंग करें और एक साइड से बारीक फोल्ड करें। और हल्की हल्की चुनट डाल लें। दोनों फ्रिल की चुनट इस तरह से बराबर हो। अब दोनों साइड की फ्रिल ऊपर नीचे रखकर साइड से इस तरह थोड़ी तिरछी कटिंग करें। फ्रिल के सेंटर में मार्क करें और शोल्डर की सिलाई के बराबर रखते हुए फ्रिल अटैच करें। व्यूअर्स ख्याल रखें कि दोनों साइड से फ्रिल बराबर हो। अब अंदर से ये एक्स्ट्रा फ्रिल कटिंग कर दें। इसी तरह दूसरी साइड की सिलाई लगाएं। अब फिटिंग की सिलाइयां लगाएं। व्यूअर्स अब निकर की स्टिचिंग करेंगे। आसिन के दोनों पीस की सिलाई लगाएं। अब आसिन की सिलाई बराबर करते हुए साइड की सिलाइयां लगाएं। अब निकर के पाइचों पर पाइपिंग करें। 1 इंच चौड़ी स्ट्रेट पट्टी निकर की उल्टी साइड पर रखकर स्टिच करें। और सीधी साइड पर पलटकर फोल्ड करते हुए स्टिच करें। निकर की उल्टी साइड पर पाइपिंग से तकरीबन 1/2 इंच के फासले से ये बारीक इलास्टिक रखें और थोड़ा थोड़ा खींचकर इलास्टिक लगाएं। इसी तरह दूसरी साइड की इलास्टिक लगाएं। अब निकर की फिटिंग की सिलाई लगाएं। फिटिंग में सिर्फ 1/2 इंच तक कपड़ा रखें। व्यूअर्स निकर और शर्ट की स्टिचिंग कंप्लीट है। अब निकर को इस तरह से फैलाएं, शर्ट भी बराबर करके निकर के ऊपर रखें। शर्ट की सेंटर निकर की आसन पर बराबर हो। शर्ट की सेंटर पट्टी ऊपर नीचे करके पिनअप करें। विवर्स
व्यूवर्स, सेंटर की सिलाइयाँ बराबर करके साइड से निकर की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए साइड की सिलाई थोड़ी डीप करके मैं शर्ट के बराबर करूँगी, यानी शर्ट और निकर की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। अब शर्ट की फ्रंट पट्टी को तकरीबन 3 इंच तक सिलाई लगाकर बंद कर दें। निकर की आसन की सिलाई और शर्ट की फ्रंट पट्टी बराबर करते हुए यहाँ से सिलाई स्टार्ट करें और शर्ट को निकर से अटैच करें। अब वेस्ट में इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक की दोनों साइड से सिलाई की गुंजाइश छोड़कर एक पट्टी कटिंग करें। पट्टी की लंबाई वेस्ट के मुताबिक रखें। अब शर्ट और निकर के सेंटर से स्टार्ट करेंगे। शर्ट और निकर की ज्वाइंट सिलाई को ऊपर की तरफ करते हुए पट्टी को फ्रंट और एक साइड से फोल्ड करके ज्वाइंट सिलाई पर रखकर स्टिच करें। एंड पर भी इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई के बराबर सिलाई लाएं। अब इलास्टिक को पट्टी के अंदर रखें और पट्टी के दूसरी साइड से भी फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएं। ख्याल रखें कि सिलाई इलास्टिक के ऊपर ना आए। सिलाई कंप्लीट करें और इलास्टिक के दोनों कोने पकड़कर पिन लगाएं। अब चुनट बराबर करें, एक्स्ट्रा इलास्टिक कटिंग कर दें और इलास्टिक को ऊपर नीचे रखकर सिलाई लगाएं और अंदर की तरफ कवर कर दें। वन इंच चौड़ी कंट्रास्ट पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाएं। और अब इसे इस तरह से बो की शेप देते हुए हैंड नीडल से स्टिच लगाएं और यहाँ सेंटर में अटैच कर दें। व्यूअर्स, बेबी जंप सूट तैयार है। समर सीजन के लिए बहुत ही क्यूट ड्रेस है। आप बेबी बॉयज़ के लिए भी जंप सूट तैयार कर सकती हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, कमेंट्स करें और उर्दू गर्ल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।